1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ईरान ने यह हमला अपने डिप्टी कमांडर अब्बास नीलो फुरुशान और हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन इस हमले के बाद इसराइल ने ईरान को इसका मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई थी और इसके बाद से ही ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर IDF के हमलों का खतरा बना हुआ था। लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों को लेकर IDF का दावा है कि इस अटैक में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर ईरान ने उस वक्त कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। जी हां, जिस अंदाज में ये धमकी दी गई उसका तरीका भी अपने आप में हैरान करने वाला है। दरअसल खामनेई ने ट्विटर पर इजरायली भाषा हेब्रो में एक संदेश लिखा और यह संदेश सीधे इजरायल को दिया गया। खामनेई ने अपने इस ट्विटर पोस्ट में लिखा, हम उन्हें ईरानी लोगों की ताकत, क्षमता, आविष्कार और इच्छा शक्ति के बारे में समझा देंगे। आपको बता दें कि खामनेई के इस संदेश से पहले इजरायल के लड़ाकू जेट्स ने ईरान के तेहरान, खुजेस्तान और ईलम प्रांत को हवाई हमलों से दहला दिया था। हालांकि ईरान का कहना है कि इजरायल के इस हमले में उसे सीमित नुकसान हुआ। वहीं ईरानी आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ ने भी एक बयान जारी किया है। आर्म फोर्स ने अपने बयान में कहा कि इजरायली हमलों के वक्त ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने तत्परता से काम किया, जिससे कुछ रेडार्स को सीमित नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया और दुश्मन के जेट्स को ईरान के एयर स्पेस में घुसने से रोका गया। इजरायली जेट सीमित संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलों से हल्के विस्फोटक से हमला कर पाए। यह हमले इराक में अमेरिकी सेना द्वारा गश्त किए जाने वाले इलाकों से किए गए। आपको बता दें कि इसराइल के इस हमले में ईरान के 4 सैनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के दौरान मारे गए और यही वजह है कि अब ईरान ने कह दिया है कि वो इसराइल से इस हमले का बदला जरूर लेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित कर दिया कि वो इसराइल पर जवाबी हमला जरूर करेंगे। हालांकि इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने फिर से कहा है कि वो इसराइल के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ईरान इजरायली हमलों का उपयुक्त जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल पेजेस्कियन का कहना है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है। हम इजरायली सरकार की आक्रामकता का उपयुक्त जवाब देंगे। आपको बता दें कि पेजेस्कियन ने अपने इसी बयान में अमेरिका पर भी हमला किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका इसराइल को बेलगाम छोड़कर इलाके में युद्ध भड़का रहा है और अगर इसराइल की आक्रामकता इसी तरह से जारी रही तो इलाके में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेजेस्कियन ने अमेरिका के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया। पेजेस्कियन का कहना है कि अमेरिका ने हमसे युद्ध खत्म कराने का वादा किया था, बदले में उसने शर्त रखी थी कि ईरान हमला ना करे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया।